नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चाचा पशुपति पारस ने आज चिराग पासवान को एक बड़ा झटका दिया है। दो दिन पहले चिराग पासवान की पार्टी की एक प्रवक्ता ने, महिला प्रवक्ता ने और एकमात्र महिला प्रवक्ता ने, अगर मैं ठीक हूं तो, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, प्रवक्ता पद से भी और प्राथमिक सदस्यता से भी। पशुपति कुमार पारस ने आज उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। देवजानी मित्रा को रालोचपा में शामिल कराया है और न सिर्फ शामिल कराया है बल्कि शामिल कराते ही राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। देवजानी मित्रा हमारे साथ खुद हैं। मैडम, आपने पार्टी छोड़ी, आपसे बात भी हुई कि छोड़ी, वो बात पुरानी हो चुकी है, अब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। पहला सवाल यही होगा, टास्क क्या मिला है चिराग पासवान को लेकर, क्या टास्क मिला है चाचा पशुपति पारस की तरफ से? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, उनके तरफ से ऐसा कोई टास्क नहीं है कि भाई चिराग जी के खिलाफ बोलना है। टास्क बहुत सिंपल है, जब आपका नाम नेशनल पे आ जाता है या राष्ट्रीय प्रवक्ता के ऊपर आता है तो देश में बहुत सारे और समस्याएं हैं। आप देख ही रहे हैं कि 2025 का चुनाव आने वाला है, ऑनरेबल पीएम मोदी का विजन के साथ चलना है और हम जिस पार्टी में हैं और सर जिस चीज के मिनिस्टर है, फूड प्रोसेसिंग, उसमें इतना ज्यादा उद्योग है और अभी अप्रैल मंथ से उसका भी काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो उसको लेकर हम लोग अभी उद्योग और रोजगार पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ, डेफिनेटली बीच बीच में मेरे पहले पार्टी का उनको बताते रहेंगे कि आप लोग कहाँ पे हैं, किस लेवल पे अभी आप लोग स्टैंड कर रहे हैं। बीच बीच में उनको थोड़ा सा ज्ञान या गाइडेंस हम देते रहेंगे क्योंकि रहते हुए तो आप लोग गाइडेंस लिए नहीं, रहते हुए तो कोई कार्रवाई किए नहीं, लेकिन बाहर आके तो मैं बोल ही सकती हूँ। और ज्यादा बोलेंगे तो उनके पास एक ही हथियार है, उनका सड़ा हुआ सा आईटी सेल, जहाँ पे उनको महिलाओं को भी वो छोड़ते नहीं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान ही नहीं तो कहाँ से छोड़ेंगे। महिलाओं को भी वो लोग ट्रोल करते तो करते रहिए ट्रोल, हमको तो भाई मेरा टीआरपी बढ़ेगा तो मेरा ही अच्छा है ना। आप लोग की वजह से कम जान तो रहे कि भाई शेरनी शेरनी होती है, चाहे वो चिराग की हो या एनडीए की हो। आज जब आप रालोचपा में शामिल हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, एक बात जो आई सामने आई कि या जिस पार्टी में आप शामिल हुई हैं वो पार्टी भी आरोप लगाती रही है, चिराग पासवान नीतीश कुमार को, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव को लेकर थोड़े सॉफ्ट है, तेजस्वी यादव को लेकर थोड़ी उनकी नरमी रहती है, आरजेडी को लेकर उनकी नरमी रहती है, पार्टी के नेताओं में इस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ऐसा है क्या वाकई? हाँ, देखिए ऑनेस्टली बताएं, डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत समय ऐसे डिबेट में ऐसे पॉइंट्स आते थे कि भाई आज आपको इस टॉपिक पे बोलना है, तो बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि उस पर कोई जवाब किसी का नहीं आता था, तो मैं सही समझती थी मैं वही बोलती थी। मुझे पता था कि अगर सही बोलूंगी तो शो कॉज नहीं आएगा या फिर कोई ज्ञान आएगा नहीं आईटी सेल का, और अगर अच्छा बोल दिए तो तारीफ ही मिलेगा, तो आई तो ऑलवेज सेड कि जो सही था सही और जो गलत था गलत। लेकिन डेफिनेटली वहां से थोड़े से नरम इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है सर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको एनडीए के साथ जाना है या आपके आरजेडी में जाना है, क्योंकि एनडीए में उनके जो भी शर्तें हैं शायद वो मंजूर नहीं की जा रही होगी या फिर शायद वो शर्त रखने लायक भी नहीं रहे होंगे या शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जो शायद वो भी बोल भी नहीं पा रहे होंगे। वो अपने ही अंदर में अभी मुझे लग रहा है घुट रहे, दम घुट रहे बोल के, वो कोई चीज का डिसीजन बोलिए, किसी को डांटने का क्षमता बोलिए, किसी को रोकने का क्षमता बोलिए, थोड़े देर के लिए शायद वो खो चुके, मुझे ऐसा लगता है। भगवान करे मैं गलत हूँ, बट मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। ऑनेस्टली बताए शायद उनको भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं है कि भाई वो एनडीए के साथ है कि नहीं, क्योंकि उनका हमेशा से एक इतिहास रहा है कि वोट काटने वाली नीति, और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार जी को कमजोर भी किया था, और इसी वजह से नीतीश कुमार जी मान लीजिए जोर ताली देके फिर एनडीए वहां पे जीती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चाचा पशुपति पारस ने आज चिराग पासवान को एक बड़ा झटका दिया है। दो दिन पहले चिराग पासवान की पार्टी की एक प्रवक्ता ने, महिला प्रवक्ता ने और एकमात्र महिला प्रवक्ता ने, अगर मैं ठीक हूं तो, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, प्रवक्ता पद से भी और प्राथमिक सदस्यता से भी। पशुपति कुमार पारस ने आज उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। देवजानी मित्रा को रालोचपा में शामिल कराया है और न सिर्फ शामिल कराया है बल्कि शामिल कराते ही राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। देवजानी मित्रा हमारे साथ खुद हैं। मैडम, आपने पार्टी छोड़ी, आपसे बात भी हुई कि छोड़ी, वो बात पुरानी हो चुकी है, अब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। पहला सवाल यही होगा, टास्क क्या मिला है
चिराग पासवान को लेकर क्या टास्क मिला है चाचा पशुपति पारस की तरफ से? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, उनके तरफ से ऐसा कोई टास्क नहीं है कि भाई चिराग जी के खिलाफ बोलना है। टास्क बहुत सिंपल है, जब आपका नाम नेशनल पे आ जाता है या राष्ट्रीय प्रवक्ता के ऊपर आता है तो देश में बहुत सारे और समस्याएं हैं। आप देख ही रहे हैं कि 2025 का चुनाव आने वाला है, ऑनरेबल पीएम मोदी का विजन के साथ चलना है और हम जिस पार्टी में हैं और सर जिस चीज के मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग, उसमें इतना ज्यादा उद्योग है और अभी अप्रैल मंथ से उसका भी काम शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो उसको लेकर हम लोग अभी उद्योग और रोजगार पे ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ डेफिनेटली बीच बीच में मेरे पहले पार्टी का उनको बताते रहेंगे कि आप लोग कहाँ पे हैं, किस लेवल पे अभी आप लोग स्टैंड कर रहे हैं, बीच बीच में उनको थोड़ा सा ज्ञान या गाइडेंस हम देते रहेंगे क्योंकि रहते हुए तो आप लोग गाइडेंस लिए नहीं, रहते हुए तो कोई कार्रवाई किए नहीं, लेकिन बाहर आके तो मैं बोल ही सकती हूँ। और ज्यादा बोलेंगे तो उनके पास एक ही हथियार है, उनका सड़ा हुआ सा आईटी सेल, जहाँ पे उनको महिलाओं को भी वो छोड़ते नहीं, क्योंकि महिलाओं का सम्मान ही नहीं तो कहाँ से छोड़ेंगे, महिलाओं को भी वो लोग ट्रोल करते तो करते रहिए ट्रोल, हमको तो भाई मेरा टीआरपी बढ़ेगा तो मेरा ही अच्छा है ना, आप लोग की वजह से कम जान तो रहे हैं कि भाई शेरनी शेरनी होती है, चाहे वो चिराग की हो या एनडीए की हो। आज जब आप रालोचपा में शामिल हो रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, एक बात जो आई सामने आई कि या जिस पार्टी में आप शामिल हुई हैं वो पार्टी भी आरोप लगाती रही है चिराग पासवान नीतीश कुमार को, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव को लेकर थोड़े सॉफ्ट है, तेजस्वी यादव को लेकर थोड़ी उनकी नरमी रहती है, आरजेडी को लेकर उनकी नरमी रहती है, पार्टी के नेताओं में इस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, ऐसा है क्या वाकई? हाँ देखिए ऑनेस्टली बताए, डेफिनेटली है क्योंकि बहुत समय ऐसे डिबेट में ऐसे पॉइंट्स आते थे कि भाई आज आपको इस टॉपिक पे बोलना है, तो बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि उस पर कोई जवाब किसी का नहीं आता था, तो मैं जो मैं सही समझती थी मैं वही बोलती थी, मुझे पता था कि अगर सही बोलूंगी तो शो कॉज नहीं आएगा या फिर कोई ज्ञान आएगा नहीं आईटी सेल का, और अगर अच्छा बोल दिए तो तारीफ ही मिलेगा, तो आई तो ऑलवेज सेड कि जो सही था सही और जो गलत था गलत, लेकिन डेफिनेटली वहां से थोड़े से नरम इसलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है सर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको एनडीए के साथ जाना है या आपके आरजेडी में जाना है, क्योंकि एनडीए में उनके जो भी शर्तें हैं शायद वो मंजूर नहीं की जा रही होगी या फिर शायद वो शर्त रखने लायक भी नहीं रहे होंगे या शायद कुछ ऐसा हुआ होगा जो शायद वो भी बोल भी नहीं पा रहे होंगे, वो अपने ही अंदर में अभी मुझे लग रहा है घुट रहे, दम घुट रहे बोल के, वो कोई चीज का डिसीजन बोलिए, किसी को डांटने का क्षमता बोलिए, किसी को रोकने का क्षमता बोलिए, थोड़े देर के लिए शायद वो खो चुके, मुझे ऐसा लगता है, भगवान करे मैं गलत हूँ बट मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। नहीं लेकिन जो बार बार दावा किया जाता है बिहार में वो असली विपक्ष की भूमिका में है, उनके साथ लोगों का हुजूम है, सब कुछ है, सारी तस्वीरें जो सामने आती है वो जो देखते हैं। लोगों का हुजूम होने का एक रीजन है, एक तो बिहार में आप देखिए मनोज तिवारी जी भी जब आते हैं या फिर जब रवि किशन जी भी जब आते हैं तो ये लोग सब एक्टर से पॉलिटिक्स में आए, तो कहीं ना कहीं सर का बैकग्राउंड चिराग जी का बैकग्राउंड भी एक्टर से ही आपका अभिनेता से नेता में है, तो लोगों का एक बेसिक है कि भाई देखने में तो डेफिनेटली अच्छे हैं, लंबे हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, तो वो पहले तो वो देखने के लिए जाते हैं, फिर जब वो बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं, सुन के वो कितना लेके जाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हुजूम जो है वो एक्टर चिराग पासवान को देखने जाते और जाते वक्त उनकी सारी मूवीज का गाना चलाते हुए जाते होंगे मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो सुन के वो कितना वोट कन्वर्ट करेंगे वो मुझे नहीं पता। अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि कुर्नी में गोपालगंज में फलाना, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो एनडीए का जो शब्द है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोरा है, डेफिनेटली रवि किशन जी भी थे, चिराग जी का भी जलवा थोड़ा बहुत होगा क्योंकि भाई देखने में अच्छे तो लोग चाहते हैं अरे भाई इतने हैंडसम हैंडसम इतने खूबसूरत लोग अगर बीजेपी में हैं तो हमें यही वोट देना चाहिए, जो आम आदमी सोचता है, आम आदमी कभी ये कैलकुलेशन नहीं करता है कि भाई वो आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके भी एक इफेक्ट है, लेकिन ये सब लंबा चलता नहीं है। एक आखिरी सवाल है हमारा, और जाहिर है अब आप उस पार्टी का हिस्सा नहीं है इसलिए इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना आपके लिए बड़ा आसान होगा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव था, उपचुनाव हुआ, उस समय आप उस पार्टी का हिस्सा नहीं थी, उस उपचुनाव के बाद बिहार में कई उपचुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव हुए, विधान परिषद के चुनाव में कुछ एक सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन न तो उन्होंने कुर्नी का चुनाव लड़ा, न ही उन्होंने मोकामा का लड़ा, न ही उन्होंने गोपालगंज का लड़ा, न ही उन्होंने बोचहा का उपचुनाव लड़ा, ना ही वो अभी तक तो ऐसी खबर नहीं है कि विधान परिषद में जो 5 सीटों पर चुनाव होने हैं वो लड़ने जा रहे हैं।
क्या बात होती है पार्टी में, क्यों चुनाव से इतनी दूरी है? देखिए ऑनेस्टली बताएं, शायद उनको भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं है कि भाई वो एनडीए के साथ है कि नहीं, क्योंकि उनका हमेशा से एक इतिहास रहा है कि वोट काटने वाली नीति, और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार जी को कमजोर भी किया था, और इसी वजह से नीतीश कुमार जी मान लीजिए जोर ताली देके फिर एनडीए वहां पे जीती थी। तो मैं तो बोलूंगी भाई अगर आप इसी हिसाब से अगर आप बिहार पॉलिटिक्स को अगर आप लेके जाएंगे तो आपका विजन के साथ ये सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। और अनाउंसमेंट इसीलिए भी नहीं कर पा रहे होंगे शायद आला कमान से, या फिर जहां से आवाज आनी चाहिए वहां से शायद अभी तक जो डील हमेशा बोलते हैं डील नहीं हुई होगी, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जो शायद उनको डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए उनका 14 तारीख को बहुत बड़ा राष्ट्रीय बैठक है, अब राष्ट्रीय बैठक में ऐसा कोई बम अगर वो फोड़ेंगे तो वही जाने। फिलहाल तो हम लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे वहां से चुनाव लड़ रहे या फिर वो एनडीए के साथ भी दे रहे, ऐसा कहीं पे नहीं। चलिए हमारे साथ देवजानी मित्रा थी, अब रालोसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत